रोपनी का पहला दिन यानी बिनाड़ा निकालना जिसे हम कहते हैं, यानी ये है धान की पौध आप जो देख रहे हैं, और इसे आज हमें निकालना होगा और कल होगी रोपाई। और आप देख रहे हैं पूरा जो है ये धान है और नीचे बह रहा है, ये गदेरा बह रहा है, हिलो नदी, ये हिलो नदी बह रही है। और आप देख सकते हैं आज का मौसम थोड़ा बारिश वाला है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन देखते हैं कब तक ये बिनाड़ा निकल पाता है। और यहाँ पे साइड पे किसी और ने बिनाड़ा बो रखा था तो वो अभी तक निकाल चुके हैं इसे, और ये पानी की जो कूल है इसी से रोपाई होनी है। और ये पूरे जो खेत दिख रहा है जिसमें रोपाई नहीं हुई है, इसमें रोपाई होगी कल और आज निकाला जाएगा बिनाड़ा। आप देख सकते हैं कि बारिश हो चुकी है शुरू, लेकिन हम अभी बिनाड़ा निकाल रहे हैं क्योंकि कल रोपाई होना तय है, तो बिनाड़ा हमको किसी भी हाल में निकालना होगा। और इसी मौसम में कहीं जगह रोपाई भी हो रही है। और ये बहुत बिनाड़ा निकल चुका है आप देख सकते हैं, और गदेरे में बहुत ज़्यादा पानी, इस गदेरे का स्तर आजकल बढ़ गया है क्योंकि मिट्टी का पानी देख सकते हैं आप। और ये बहुत ज़्यादा बिनाड़ा निकल चुका है, लेकिन बारिश देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आ रही है, बारिश से बहुत ज़्यादा हाथ भीग चुके हैं, लेकिन इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी बिनाड़ा निकल जाए और हम जा सकें सीधे बहुत जल्दी से घर। और ये गधेरे भी यहाँ डर भी रहता है कि कहीं गधेरे का स्तर ना बढ़ जाए, और गधेरे के स्तर बढ़ने का भी डर रहता है। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम हो चुका है, बहुत ज़्यादा गीला हो चुका है, यहाँ नीचे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गीला है, लेकिन कल यहाँ हो जाएगी रोपाई, इस खेत में हो जाएगी रोपाई। बहुत बड़ा खेत है और दूसरी साइड भी एक खेत है, और आप देख सकते हैं। और जो पत्थर देख रहे हैं आप, इसी में खाते हैं रोपनी की रोटी। और बारिश हो चुकी है बहुत ज़्यादा तेज, और आप इस रोपाई के खेत में देख सकते हैं बारिश कितनी तेज आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने लगभग पूरा बिनाड़ा निकाल दिया है, अब थोड़ा सा रह रखा है, लेकिन हम उसे दो चार मिनट में निकाल देंगे। और आप देख सकते हैं बारिश भी हो चुकी है बंद, और अब सीधे कल होगी रोपाई। उम्मीद करते हैं कल हो धूप, ताकि और ज़्यादा मज़ा आए, और आपसे सीधे मुलाकात होगी कल।
बना लो। और ये हल बहुत भयंकर होता हुआ क्योंकि बहुत जड़ जुड़ा हो चुका है और ये हल निकल नहीं रहा है। और यहाँ पर हमारे बड़े भाई हल लगाते हुए हल का सहारा है भाई साहब। बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत भारी और बहुत बड़ी बहुत बड़ी हल आता हुआ देख सकते हैं। और ये पानी खटाते हुए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं आशीष भाई। और क्या कहना चाहेंगे आशीष भाई रोपणी के बारे में? पानी होना चाहिए, पानी नहीं है तो रोपाई नहीं। क्या बिना खेत के भी रोपणी हो सकती है? और बिना खेत के भी रोपणी हो सकती है। और ये आज गदरा साफ हो चुका है। कल आपको दिखा था कि यहाँ का पानी बहुत मिट्टी वाला हो चुका था, मटमैला। मैं बिना बैलों की रोपाई कर सकता हूँ। अरे रोपाई बहुत हो चुकी है और बैल भी बहुत ज्यादा थक चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा खेत है ये और नीचे के दो खेत इनमें हो चुकी है रोपाई। जो नीचे के खेत आप देख सकते हैं, नीचे के जो दो खेत हैं इनमें हो चुकी है रोपाई। आपको आएगा बहुत ज्यादा मजा और रोपनी में बहुत ज्यादा मजा हमारे साथ। आशीष भाई, आशीष भाई को बहुत ज्यादा मजा आया यार। और अब हम बहुत ज्यादा
अब हमारे लिए और अब हम मारेंगे जो मेरे अपना।